भागलपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रविवार को नाथनगर, मधुसूदनपुर, ललमटिया और हबीबपुर के थानेदारों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील करना था। शहर में सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और लोगों से आग्रह किया कि वे त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। फ्लैग मार्च नाथनगर, ललमटिया, हबीबपुर, मधुसूदनपुर, बबरगंज और मुजाहिदपुर के हर गली मोहल्ले से होते हुए सम्पन्न हुआ। इस दौरान सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। वहीं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पूजा पंडालों के आसपास वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने पूजा समितियों और आम लोगों से अपील की कि वे असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और शांति व सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। देखिए, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो हमारा पर्व है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी थाना के माध्यम से फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। जो हमारा दंगा फोर्स है, सीआईटी फोर्स है, उसके माध्यम से निकाली जा रही है। सभी थाना में हम लोग डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी सभी थाना में, चाहे वो शहरी थाना हो या आसपास के थाना है, उन सभी थानों में हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं। साथ में डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध स्थल है, चाहे संवेदनशील स्थान हो, सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, सभी स्थानों पे हम लोग डॉग स्क्वाड के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं और सभी थाना में बारी बारी से करके अभी फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। और साथ ही साथ हम लोग जिला स्तर पे भी और शहरी क्षेत्र में भी मेरे नेतृत्व में 1 से 2 दिन के अंदर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगे और जो मुख्यालय से हमें फोर्स दिया गया है उसके साथ और जो जिला का जो फोर्स है उसके साथ पूरा फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। लोगों से सर क्या अपील रहेगी? लोगों से अपील ये है कि जो भी शांति समिति के सदस्यों को, मेयर पति को और जो हमारे यहाँ के जिलावासी हैं, उनसे अनुरोध यही है कि जो भी प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसका सहयोग करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, भीड़ के नियंत्रण हो, लोगों की सुरक्षा हो, विधि व्यवस्था का निर्धारण हो, सभी में हम लोग का सहयोग करेंगे और अच्छे से मनाया जाएगा। भागलपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर अपनी मूर्तियों को अंतिम रूप देने में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। जिले भर में सैकड़ों पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिन्हें बनाने का काम बिहार और बंगाल के दक्ष कारीगर कर रहे हैं। कुम्हार टोली की गलियां जो हर पूजा के समय जीवंत हो उठती है, इस समय मूर्ति निर्माण के काम से भरी हुई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में अधिकतर मूर्तियां यहीं से पहुंचाई जाती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत कलश पूजन के साथ हो चुकी है और अब पंडालों में तैयारियां तेज हो गई है। शहर भर में विभिन्न थीम पर आधारित पंडाल सजाए जा रहे हैं और कारीगर माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। इसके अलावा गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां भी तैयार की जा चुकी है। अंबे स्थित मूर्तिकार रंजीत पंडित ने बताया कि वे अगस्त के महीनों से मूर्तियां बना रहे हैं और इस वर्ष 15 से 16 प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। उनके साथ 6 से 8 कारीगर पिछले 2 महीनों से इस काम में जुटे हुए हैं। रंजीत पंडित ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस कारीगरी में लगे हुए हैं और अपने पिता के साथ पहली बार मोदी नगर स्थित दुर्गा मंदिर में प्रतिमा बनाना शुरू किया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पहले के मुकाबले अब इस कारीगरी से उतनी कमाई नहीं हो रही है। अगस्त महीना से दुर्गा पूजा का तैयारी होता है। और कितनी मूर्तियां बनाते हैं? 10 से 12 मूर्ति। घर से लेकर बाहर तक कितने निर्माण करते हैं? 10 से 12 निर्माण होता है। तो और कितने कारीगर मेहनत लगती है? 6 से 7 कारीगर है। आप कब से बना रहे हैं? हम तो जिस टाइम में 12 साल के थे उसी टाइम से बना रहे हैं मूर्ति। कम से कम लमसम 50 साल से मूर्ति बना रहे हैं।
हमारे बाबूजी 1954 से जो है ना मूर्ति बनाते थे, मोदी नगर दुर्गा स्थान, मुंदीचक गढ़िया, आपका जो पत्थर वाला जो मूर्ति बैठा मुंदीचक में वो लाजपत पार्क, ये सब पहले से बनाते थे। आप कहाँ शुरुआत किए? हम भी मोदी नगर से शुरुआत किए, मोदी नगर गढ़िया ये सब जो है ना लाजपत पार्क के सब शुरुआत किए हैं सर, बाबू जी के बाद हम ही काम कर रहे हैं। होता है उतना, अब जो है ना अभी सब में उतना नहीं है, महंगाई सब चीज का बढ़ते चला गया, रेट मूर्ति का जो है ना जो जो पैसा अगर 1000-2000 बढ़ा के भी मिलता है ना तो बाजार में ही सामान में लग जाता है। तो पहले क्या शिक्षा? पहले क्या शिक्षा? कुछ नहीं है। मूर्ति का दाम समझ लीजिए तो मूर्ति का दिन प्रतिदिन रेट कमते जा रहा है। बढ़िया कलाकार के लिए मूर्ति कुछ नहीं है, हम लोग से जो है ना मतलब ऑर्डिनरी सब कारीगर जो है ना 2-3-4 दिन, हम लोग 10-15 दिन मूर्ति में खटेंगे ना, उसके बाद तब जो है ना 2-4-5 हजार रुपया का जो है ना मतलब कारीगर का भी रेट सब बढ़ गया, रंग का दाम बढ़ गया। भरण पोषण? हाँ नहीं, भरण पोषण क्या मतलब, 6 महीना जब तक काम धंधा चला तब तक ठीक है, बैठारी होने के बाद तो फिर सोचना पड़ता है। अम्बे मूर्तियों का हब माना जाता है। हाँ अम्बे तो नाम भी है, तो नाम होने से क्या हो जाएगा, भागलपुर में सबसे फेमस नाम है हमारा उसे, लेकिन उस तरीका से जैसे हम कलाकार हैं उस तरह से हमको पैसा भी नहीं मिलता, मेहनता नहीं मिलता है, हर चीज का रेट बढ़ गया, ब्रश से लेकर रंग से लेकर के। जिस टाइम में हम लोग इस बार आपके द्वारा सबसे ऊंची प्रतिमाएं कहां बनाई हुई? सबसे ऊंची प्रतिमा नाथ नगर पासी टोला, उसके बाद जो है ना मोदी नगर गढ़िया। कितने फीट की ऊंचाई? 15 फीट की मूर्ति है ऊंचाई गढ़िया। कितने दिन लगे उसमें बनाने में? 15 दिन लगा। भागलपुर के रंगरा प्रखंड में इस वर्ष बाढ़ ने व्यापक असर डाला है, जिससे क्षेत्र के गांव में पानी भरा हुआ है और रंगरा गांव का प्राचीन और प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर भी इससे अछूता नहीं है। मंदिर परिसर में लगभग कमर तक पानी भर गया है, जिससे इस बार दुर्गा पूजा को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। हर वर्ष यहाँ भव्य मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन बाढ़ के कारण लोग इस बार के आयोजन को लेकर चिंतित हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मंदिर में जहां माता को बलि दी जाती है वह स्थान भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे बलि प्रदान करने को लेकर भी संशय बना हुआ है। पूजा समिति के सदस्य और ग्रामीण मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गंगा और कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थिति और भी गंभीर हो रही है। हालांकि पूजा समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि माता की पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी और पूजा विधिवत संपन्न की जाएगी जैसा हर वर्ष होता है। वे आशावान हैं कि दुर्गा माता की कृपा से इस आपदा का कोई समाधान निकल आएगा, जिससे पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अब देखना होगा कि बाढ़ की स्थिति के बीच पूजा समिति और ग्रामीण मिलकर क्या विकल्प चुनते हैं। हम लोग का घर के आगे में मैया का मंदिर है, हर साल तो बाहर से लाते थे गंगा जल, इस बार घर के आगे में ही गंगा वहां गई है। कैसा लग रहा है इस बार? थोड़ा सा शंकर हो रहा है, बच्चे काफी ज्यादा नाराज होंगे, निराश, पानी लेके थोड़ा सा दिक्कत तो है, पूजा भी करना है, सब चीज देखते हुए भी विकल्प निकाले हैं। विकल्प तो अब 5-6-7 पूजा से सोचना होगा, इसलिए कि पानी तो वही है, अभी कम है, कम का मात्रा है, देखिए अब क्या होगा। अच्छा, जैसे आज 3 पूजा है, पहली पूजा से आज तक में कुछ पानी में कमी आई है क्या? पानी में तो एक आध अंगुली थोड़ा बहुत बुझाया, लेकिन हमको 2 दिन से फिर वही। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी, SP कोठी, तिलका मांझी, भागलपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172।
भागलपुर में महाराजा अग्रसेन की 5178वीं जयंती को समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भागलपुर जिला अग्रसेन सम्मेलन के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयंती समारोह की शुरुआत शहर में प्रभात फेरी से हुई, जो स्टेशन चौक और खलीफाबाग चौक से होकर देवी बाबू धर्मशाला तक पहुँची। वही देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रमों में चित्रकला, फैंसी ड्रेस सहित कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर समाज में एकजुटता और समर्पण का संदेश दिया गया। वह पूर्वज हैं, उन्हीं की स्मृति में आज ये झांकी निकली है और हर एक साल श्री भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रसेन जयंती का ये समारोह किया जाता है। ये अभी देवी बाबू धर्मशाला के पास जाके ये सवा ध्वज यात्रा संपन्न होगी, उसके बाद हवन पूजन की कार्यक्रम होगा, बच्चों का प्रतियोगिता होगी और शाम को फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम संपन्न होगा। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के करवा मारनी गांव में जमीन विवाद के कारण एक वृद्ध की मौत हो गई। बहादुर मंडल को कुछ दिन पहले इसी विवाद में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने गाँव के दबंग व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, जिसमें राजेश यादव, राकेश यादव और पंकज यादव का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने लोहे की छड़ से बहादुर मंडल पर हमला किया था, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद पहले उन्हें कठोरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया, फिर बांका अस्पताल और अंत में बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मेरे जमीन में बाजावरण जेसीबी से घास लगा हुआ था, सब उखाड़ रहा था, तो वही हम मना करने पर गए, तो बोले भाई का इस तरह मेरे जमीन में क्यों कर रहा है, इतना बोले उसमें वो लोग सब मार करने पर उतारू हो गए। और उसके बाद जो है सो राकेश यादव था और राजेश और पवन, ये सब तीनों के हाथ में लोहा का सब बल था और रड़ था, इतना बात हुआ उस पर। उसके बाद जो है सो हमारे भैया कुछ बोले, उसमें उस पर जो है सो तीनों बारी बारी से मार। हाँ, भागलपुर पटेल बाबू रोड स्थित नियो फिटनेस प्रांगण में मैजिक ऑफ रोटरी प्रोजेक्ट 2024-25 के तहत निःशुल्क साइकिल और सिलाई मशीन का वितरण किया गया। वहीं सभी लाभार्थी साइकिल और सिलाई मशीन पाकर बेहद खुश थी। लड़कियों ने बताया कि साइकिल मिलने से अब उन्हें कॉलेज जाने आने में सुविधा होगी। वहीं कोमल जो जॉब करती है, उसने कहा कि साइकिल से उन्हें अब काम पर जाने में आसानी होगी। वहीं शिल्पी और प्रिया ने कहा कि सिलाई मशीन मिलने से वह घर से ही कपड़े सिलने का काम कर सकेंगी, जिनसे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम के दौरान रोटेरियन प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि दशहरा के पावन पर्व पर नारी शक्ति की पूजा की जाती है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने इस अवसर पर साइकिल और सिलाई मशीन का वितरण करने का फैसला किया। रोटेरियन चंदना चौधरी ने बताया, साइकिल देने का उद्देश्य न केवल लड़कियों को आने जाने में सुविधा देना है, बल्कि उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना और पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान देना है। वहीं रोटेरियन बबीता शाह ने कहा कि ऐसे काम करने के बाद जब लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान देखती है, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है।